सानू से हाय। हाय गाइस। तो सानू आज तुम्हारी शादी है और स्पेशली आज तिलक है, तो कैसी फीलिंग आ रही है? अजीब सी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग, मोर और लेस ब्लैंक, सो लेट्स सी। लग रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। काफी टाइम के बाद शादी हो रही है और पहली शादी है। गुड वन। रुको जरा, सबर करो। हाँ, फिलहाल तो पहली है, पहली शादी है। आप लोगों का प्यार मिले तो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सा। तो ये जो वाइट है, कुछ ही दिनों के बाद जो इसकी वाइफ है वो देखने वाली है, उसके बाद बताएगी कि ये जो दूसरी शादी करनी है कि नहीं करनी है। चलो खैर, अच्छा मजाक था और बेचारा कुछ सुकून के पल है जो यहाँ पे बिता रहा है, और आखिरी सुकून के पल है आज का, क्योंकि आज के बाद जो बर्बादी है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। म्यूजिक अभी पूरा जाएगा, बंद कीजिए। तो उसकी शादी है सानू की, तो क्या उसको आशीर्वाद देना चाहेंगे? हमेशा खुश रहो और अच्छा ठीक है। 101 सुंदर बातवा सुनो, मिलो कि ना नहीं, ओकर बल्ला इधर निकाल। दीवान साहब लोग ये क्या कहते हैं? कितनी शर्त है? बच्चे लाइव इधर अंशु की वाइफ श्वेता, और एंजॉय करते हुए तो बारात आ गई है। और थोड़ा सा I was about to cry, he is my little brother and पर कुछ तो प्लान पहले करना था जो कर नहीं पाए हैं लोग। ड्यूरेशन हम डिसाइड करेंगे, फिर तो जूते आप लेके रह गए। और लड़ो, और हां तो तुम लोग सारे करो डांस, अब मैं लास्ट में करूंगी। जितने जीजा लोग होते हैं इस और इस रस्म में, जितने जीजा जी लोग होते हैं वो लोग अपने साले को, यानी जिसकी शादी होती है अपने साले को वो ड्रेस पहनाते हैं और वो चीज़ें जो वो देना चाहते हैं। और दुल्हेरा जो गेटिंग रेडी, बहुत खुश लग रहा है हमारा सानू। और Thank you.
फाइनली बहुत सारे नाच गानों के बाद जो बारात है वो आ गई है होटल डायमंड रेस्टोरेंट में, जहाँ पे इसकी बारात आनी थी। और मेरे सामने है दूल्हा जो कि है सालू, और साथ में ये सहबाला। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लड़की वाले हैं ऑफकोर्स, और ये लोग अब यहाँ पे होगी द्वार पूजा, और सानू की यहाँ पे पूजाई होगी। उसके बाद जो भी ये मैं व्यू ले रहा हूँ बाहर से, ज़्यादा लड़की वाले हैं। फाइनली जो हमारे दूल्हे राजा हैं यानी सानू, वो आ गया स्टेज पे, साथ में है शौर्य, राइट, शौर्य यानी सहबाला। कुछ ही वक्त के बाद यहाँ पे जयमाला होने वाली है, और सानू बहुत खुश हो रहा है, जिसकी दुल्हनिया है वो आने ही वाली है। तो जयमाला को देखने के लिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग प्रेजेंट हो गए हैं। तो ये पूरी बॉयज़ एंड गर्ल्स टीम यहाँ बैठी है, और इस तरफ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सभी जितने रिलेटिव हैं सनी के, सानू के, मेरे यानी सबके, नाम है इसका सोनम। हेलो 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 कर रही बीजी बानी। सामने है लड़की वाले यानी गर्ल्स टीम, जिनके भी एंट्री होने ही वाली है। तो बारात आ गई है, और मेरे पीछे ये सारे बाराती बैठे हुए हैं। और ये बंटी भाभी फुर्सत के पलों में कुछ एंजॉय करते हुए, और बहुत सुंदर लग रही है बंटी भाभी। सामने है श्वेता, श्वेता हाय बोलो। अंशु की वाइफ श्वेता, और शादी और बच्चे के बाद लाइव इधर अच्छे हो जाती है। ये देखिए क्यूट स्माइल विक्की भाभी, और इनका बेटा मशगूल है फोन में। आई एम नो वर्ड। तो अभी नीचे जयमाला हो रहा है, अभी ये है हमारे कुछ पल हैं फुर्सत के। मेरे साथ में है सनी भैया जो कि दूल्हे के बड़े भाई हैं, और काफी थक चुके हैं हम। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आज छोटे भाई की शादी हो रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मुझे चीजें याद आ रही थी बचपन की, और आज उसकी शादी हो रही है। तो उसकी शादी है सानू की, तो क्या उसको आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा खुश रहो और बैलेंस बना के चलो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अच्छा मैसेज देते हुए सानू के लिए, और जब सानू ब्लॉग देखेगा उसे काफ़ी अच्छा लगेगा कि किस तरीके से बड़ा भाई इमोशनल होता है छोटे भाई के लिए, और उसके अंदर ये पूरी फीलिंग रहेगी तो उसको और अच्छा फील होएगा, और वो बहुत उसको बैलेंस भी करने की पूरी कोशिश करेगा। बहुत जोरों की भूख लगी है, और हम लोग जा रहे हैं ठूसने के लिए। मेरे पीछे पूरी टीम है जो ठूसना चाहती है, बहुत भूखी है, सब भूख खड़े हैं। हमारा भूखा प्यासा, तो बहुत जमाने से हम भूखे हैं, और मेरे पीछे पूरी गर्ल्स गैंग, और पीछे है हमारे बड़े भैया जो कि अत्यंत भूखी अत्यंत भूखे हैं, और प्यासे नहीं है, प्यासे।
आप इसके नीचे चलो। बेशक प्यासे नहीं होंगे पर भूखे जरूर है। और जयमाला के बाद सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिनर, और डिनर में क्या क्या है आप देख सकते हो। ये सब लोग यहाँ पे डिनर सर्व कर रहे हैं। अपना प्लेट उठाइए, जाइए और खाइए। ये सभी लोग, मैंने अपना खाना खा लिया है। और ये है बिहार की सबसे स्पेशल लिट्टी, जो बहुत ही फेमस है हमारे बिहार में। और साथ में हम खाते हैं चोखा, बहुत ही टेस्टी है। और बाकी सबको पता ही है। और खाना खाने के बाद आप चाहें तो यहाँ से आइसक्रीम भी खा सकते हैं। मैं नहीं खाऊँगा वैसे, गला खराब है। और ये एक इंसान जो बहुत ही भूखा है पर वो कह नहीं सकता, वो कह नहीं पाता, वो बहुत दुखी है। सामने है सनी भैया और सनी भैया के फ्रेंड्स आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं नहीं, आइसक्रीम खाता नहीं मैं। नहीं नहीं, गला सामने है प्राप्ति। और इस शादी में आने के बाद मुझे खुशी की प्राप्ति हुई है। और ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और ये बिल्कुल सोना के सम्मान। यस, सामने है सानू पानी पीते हुए। तारीफ में क्या करूँ, इनका नाम सानू है जो कि निकनेम है। और जो इनका सर्टिफिकेट के अनुसार है वो है आनंद शंकर। तो ये अपने आप में शंकर हैं, रौद्र रूप है। इनके ऊपर एक कहावत बनी है कि पहले ये थे टाइगर जिंदा है पर अब आ जाएंगे एक था टाइगर। हम समझ गए। तो फाइनली 13 घंटे के बाद सानू को मिला है खाना, आनंद शंकर खाने का आनंद लेते हुए। और सामने भैया कौन है? मृणाल भैया। अच्छा, ये भैया इनका नाम मृणाल है। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरे पास में श्रेया, श्रेया से आए, वो तो खाना खा रहे हैं इसलिए बोल नहीं सकते। श्रेया बहुत अच्छी डांसर है, जो मैंने सुना है आनंद शंकर के थ्रू, राइट? तो दोनों खाना खा रहे हैं और श्रेया नाराज है इसलिए वो खाना नहीं खा रही है। ऐसा? अरे ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है, मैं दीदी के साथ खाऊंगी। अच्छा, तो जो इनके दुल्हनिया है वो खाना इनके साथ में खाएंगे। तो डिनर के बाद अभी फिलहाल जो ये रिचुअल हो रहा है इसको बोलते हैं गुरहती। तो ये जो रिचुअल है इसको बोलते हैं गुरहती। और फाइनली जो हमारा दूल्हा है वो जा रहा है शादी करने के लिए। तो अभी हम लोग हैं 4th floor पे, और यहाँ से जो 2nd floor है वहाँ पे शादी होने वाली है फाइनल। गाइस, जूता नहीं जाना चाहिए, जूता नहीं। इंस्ट्रक्शन देते हुए बड़े भैया छोटे भाइयों को, चलो यहाँ से होगी एंट्री। सामने है मंडप और ये है सानू अपना। इनके हाथ कुछ लगा नहीं है, बहुत ही शाही फील कर रहे हैं लोग, बहुत ही दुखी होंगे, अफसोस कर रहे होंगे। पर कुछ तो प्लान पहले करना था जो कर नहीं पाए हैं लोग। जूता लगी। और यहाँ जो जूता है वो चोरी हो चुका है। देखो कैसे नहीं। तो जो रिवाज होता है जूता चोरी करने का वो होता है लड़कियों का, गर्ल साइड का। पर यहाँ पे जो बॉय साइड के जो लोग हैं, यानी जो हमारे लोग हैं, वो कुछ ज़्यादा शातिर निकले। और अंशु ने शूज चोरी कर लिए हैं। और ये हमारे यहाँ की जो परंपरा होती है वो होती है कि जो सालियाँ होती हैं वो
जीजाओं के जो शूज हैं वो चोरी कर लेते हैं और फिर बाद में उनसे नेक या नहीं कुछ पैसे मांगते हैं वो वापस करने के लिए। एक मजाक की परंपरा है जो हमारे यहाँ दिखाई जाती है, पर अफसोस यहाँ पे जो शूज है वो ऑलरेडी चोरी हो चुका है। एक गाना गाइए और ये आपको वापस मिल जाएगा। मुंह मत दीजिए, किसी को मत दीजिए, तुम इधर आप शांति से रहिएगा थोड़ा सा। ये सामने श्रेया है जो पूरी जिम्मेदारी से शूज के पीछे पड़ी है। पता है ऐसा ऐसा इस शूज में क्या है जिसके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं? तो यहाँ हमारे दूल्हे राजा हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, बैठे हैं, देखने लायक कोई है नहीं। सामने से आ रही सोना बहुत परेशान आत्मा, और यहाँ माहौल शादी का है, उसके बाद भी ये लोग इस तरीके से गेम खेल रहे हैं। इससे साफ सुनने आता है कि ये लोग बोर हो रहे हैं और बोर होकर ये सब गेम खेल रही हैं, खुशी प्राप्ति बुचन और सोना, और इनका गेम चल रहा है। नाच सेलिब्रिटी लोग आ गए, नाच लीजिए बढ़िया से, नाच लीजिए काम करके आइए। अरे रखी क्या करूंगी, अबे मारो तो सही, अरे वो रखेंगे तो नाच रही। अरे मेरा ब्लॉग बेकार जा रहा है, इतने पास में क्यों मार के कैसे आइए। गजब। सॉरी, एक पहली बार कितने शर्त है बताओ, 1 2 3 कितनी शर्त है? देख बस इतना ही, आप शर्त बताओ। शर्त और आपको कुछ मांगे पूरी करनी है। पहला है आप डांसर हैं, आपको डांस कर और सुनने में आए, बाकी दो लोग गाना अच्छा गाते, तुम लोग गाना गाए, बाकी जूता आप लोग का फिर हाँ फिर जूता एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। हाँ तो एंटरटेनमेंट तो आप लोग तो अच्छा करते हो डांस, तो हमें कौन सा जूता चलेगा नहीं मिलेगा। अरे तो वो तो एक सेकंड, नहीं ये तो अगर हम डांस नहीं भी करते ना फिर भी मुझे जूते तो हम मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा वो क्या बोलते हैं सगुन आई मीन रस्म होता है, और ये हमसे कोई वो नहीं। नहीं तो उससे कोई वो मैटर नहीं करता, भीख में बस मिल जाए। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड, नहीं तो जूते तो हम लोग वो तो हम लेकर शगुन का क्या कैसे सर नहीं तुम ऐसे सही ऐसे कैसे 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 क्या। अच्छा ठीक है 101। अरे पूछा तो क्या 1 रुपये भी नहीं है पहले तो जब तक वो डिमांड्स नहीं है तो हाँ, पहले डिमांड्स नहीं करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। हां तो डिमांड्स आप लोग ये क्या कहते हैं, इतनी अच्छी डांस फिर से रिपीट। हां डिमांड्स आप लोग ये क्या कहते हैं, पहली तो ये शेयरी डांस करेंगे, बाकी दो सुने बहुत अच्छी सिंगर है जो दो और जूते के पीछे भाग रही थी सुन लिया हमने। अच्छा ठीक है ठीक है, तो वो गाना गाएंगे उसके बाद जूते मिल जाएंगे। ड्यूरेशन हम डिसाइड करेंगे, ड्यूरेशन हम डिसाइड करेंगे, जूते आप देख रहे तो सामने है शाही नहीं आनंद और उसकी होने वाली वाइन। हाँ आ रहे हैं,
आ गया वेरी गुड चली जाए तेरी जान चली जाए मेरी जान चली जाए जब तुम लोग ऐसे नहीं मतलब आप नहीं करेंगे ठीक तो 11 रुपए का शगुन पक्का तुम लोग सारे करो डांस अब मैं लास्ट में करूँगी जितना तुम नाटक करोगे सब ब्लॉग में जाएगा बेटा ये कटेगा भी नहीं आपका चैनल और ये पहले आएगा पहली क्लिप यही होगी दे रही है जान लीजिए आपका चैनल अभी पूरा जाएगा बंद कीजिए ये तो यही आएगा पहले बंद कीजिए स्टार्टिंग ऐसे कीजिए अभी भी सुधर जाओ हिट हो जाए शुरू करो रिपीट करो चलिए 5 मिनट दिया जाओ मुझे सोचने के लिए मसे गाओ या छोड़ो पका दिया तुम लोगों ने और फाइनली ये शादी हो गई है इनकी और ये सामने से सानू और उसकी वाइफ की एंट्री हो रही है शादी के बाद ये पहली झलक है जब दोनों फाइनली दोनों मैरिड हैं और जो पूरी भीड़ जो आ रही है मंडप में से फाइनली वेडिंग इज ओवर चप्पल ना ना मिलो रे बातवा सुन ना मिलो कि ना पोकर बल्ला इधर निकाल चप्पल मिलको हाँ क्या देख रहे ऐसे फाइनली जो रसम है वो हो रहा है ये वो रसम है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन को जाना है रूम के अंदर और सामने बहुत सारी सालियां हैं जो उनको अंदर जाने दे रही हैं तो यहाँ पे जो जूता चुराया जाता है जूता चुराने की बात भी रखी थी मैं करने वाली थी बट ये मैं भी देख लूँ इसी बहाने हाँ चलो शाबाश बेटे जूता बस दे दीजिए जूते लो पैसे लो पैसे लो किसानों को उसकी शादी की बहुत सारी बधाई है और मैं दुआ करता हूँ कि वो उसकी जो जिंदगी है वो काफ़ी खुशहाल गुजरे और वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही दोनों खुश रहे दुल्हन विदा हो गई है और सानू और साथ में उसकी वाइफ पहली बार एक दूसरे को हो गए और अब ये लोग जा रहे हैं अपने रूम में वहाँ पे और वहाँ पे थोड़ी मस्तियाँ होंगी थोड़ा मजाक होगा और बहुत से रस्म होगी तो फाइनली जो वेडिंग है सानू की वो हो गई है कंप्लीट और दुल्हन हो गई है विदा और ये सुबह का व्यू है बाहर थोड़ा बहुत कोहरा और ठंडा बहुत ही ज़्यादा है और सुबह के बजे हैं 6:10 तो मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से घर के लिए तो मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रहा हूँ
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, बाय बाय।